सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कौन सा सेलेस्टियल सेपियन जो है कौन सा एलियन ज्यादा पावरफुल है, मेरा मतलब कौन सा सेलेस्टियल सेपियन अनबीटेबल है इन तीनों सेलेस्टियल सेपियंस में से। सो अभी आप लोगों को लग रहा होगा थंबनेल में चार है, पर मैं इधर तीन का बात कर रहा हूं। तो यार हम पहले इन तीन सेलेस्टियल सेपियन को कंपेयर करेंगे, फिर चौथे एलियंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले उन सेलेस्टियल सेपियंस के बारे में बात करेंगे जिनको ऑफिशियली सीरीज में दिखाया गया है, फिर इविल एलियंस के बारे में बात करेंगे। सो पहले बात करते हैं हीरो एलियंस के बारे में। तो हीरो एलियंस वो एलियंस है जिसमें बेन ट्रांसफॉर्म होता है, और इस सेलेस्टियल सेपियन के अंदर ही वो दो पर्सनैलिटीज रहते हैं जो दूसरे सेलेस्टियल सेपियंस के अंदर रहते हैं। और ये वाला सेलेस्टियल सेपियन को हीरो एलियंस इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये वाला एलियंस से वर्चुअल ओमनीपोटेंट है, क्योंकि ये वाला एलियंस वो हर काम को कर सकता है जो एक ओमनीपोटेंट कैरेक्टर करता है, पर अगर सेलिना ने बिलिकस परमिशन दिया तो। और ये वाला एलियंस टोपिक के फेस को देख के भी डर सकता है क्योंकि इसको कंट्रोल करता है बेन, और इसीलिए अगर ये टोपिक का फेस है तो बेन डरेगा ना कि सेरिनन बेलिकस। तो ये बात करते हैं स्टारवेड की। स्टारवेड का फर्स्ट अपीयरेंस पेंटेल ओमनिवर्स सीरीज में हुआ था, जो कि एक पावरफुल सेलेस्टियल सेफियन है। अब देखो भाई, स्टारवेड भैया नॉर्मल सेलेस्टियल सेफियन बिल्कुल भी नहीं है, ये सेलेस्टियल सेफियन के हाई कमांडर है। ये सभी सेलेस्टियल सेफियन का ध्यान रखते हैं और देखते हैं कि कोई सेलेस्टियल सेफियन कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। स्टारवेड के पास एक वेपन भी है जिसकी पावर एंड एबिलिटीज के बारे में हमें अभी तक बताया नहीं गया है, लेकिन भाई मुझे लगता है कि ये इनकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। यानी कि यार ये नॉर्मल सेलेस्टियल सेफियन या फिर बाकी सभी सेलेस्टियल सेपियन को दिखाता है कि स्टारवेड कोई नॉर्मल सेलेस्टियल सेपियन नहीं है, जो उनके कमांडर है। अपनी इसी हाई पोजीशन के कारण इन्होंने गैलेक्टिक ग्लैडिएटर को एलियन एक्स से फाइट करने के लिए बुलाया, और गैलेक्टिक ग्लैडिएटर पहचान गया कि ये कोई नॉर्मल सेलेस्टियल सेपियन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए उसने एलियन एक्स से फाइट की। स्टारवेड रियली में एक पावरफुल सेलेस्टियल सेपियन है। अगर भाई बेंटेन की हेल्प सेरेना और बेलिकस नहीं करे तो एलियन एक्स को तो स्टारवेड बुरी तरह से पीट सकते हैं, क्योंकि भाई स्टारवेड को किसी भी थर्ड पर्सनैलिटी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह एलियन एक्स को थर्ड पर्सनैलिटी की जरूरत है, जैसे कि बेंट। और भाई दूसरी बात, स्टारवेड की दोनों पर्सनैलिटी लड़ने के बजाय जल्दी फैसला कर लेती हैं, और भाई स्टारवेड एक हाई कमांडर है, इसलिए ये अपनी पर्सनैलिटी और अपनी हाई पोजीशन के कारण किसी भी सेलेस्टियल सेपियन को आसानी से बुला सकते हैं। भाई स्टारवेड से लड़ना तो दूर, इनकी सिक्योरिटी के लिए इतने सारे सेलेस्टियल सेपियन लगे हुए होते हैं, भाई इन्हीं से फाइट कर लो पहले। भाई रियली में स्टारवेड एक पावरफुल एंड एक ऑसम सेलेस्टियल सेपियन है, इन्हें डिफीट करना लगभग नामुमकिन है। तो अब बात करते हैं गैलेक्टिक ग्लैडिएटर के बारे में। तो ये भी एक सेलेस्टियल सेपियन ही है, और इस सेलेस्टियल सेपियन के अंदर सिर्फ दो पर्सनैलिटीज ही रहते हैं, और वो है सेरिनन बेलिकस। और ये वाला सेलेस्टियल सेपियन हमारे बेन के एलियंस के लेवल से छोटा है, और इसीलिए ओमनीवर्स के उस एपिसोड में गैलेक्टिक ग्लैडिएटर हार गया था। तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे सेलेस्टियल सेपियंस के भी लेवल्स होते हैं क्या? तो हाँ बेशक उनके भी लेवल्स होते हैं, उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस के कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे बेबी लाइफ, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, जॉब लाइफ, ओल्ड लाइफ। तो ये थे कुछ लेवल्स हम ह्यूमंस के। तो और हम ह्यूमंस के लेवल्स हमारे एज के बेसिस पर डिवाइडेड रहता है, वैसे ही सेलेस्टियल सेपियंस के भी लेवल्स उनके पावर्स के बेसिस पर डिवाइडेड रहता है। तो भाई अब बात करते हैं इविल एलियन एक्स की। देखो भाई अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि इविल एलियन एक्स होते हैं या नहीं, लेकिन भाई अगर कोई नेगेटिव बैन जैसे कि एल्विडो, मैड बैन या फिर बैड बैन अगर एलियन एक्स का यूज करता है तो हमारे लिए वो इविल एलियन एक्स हो जाएगा। तो भाई अब बात करते हैं कि सेरेना और बेलिकस नेगेटिव बैन्स की हेल्प करेंगे एलियन एक्स की पावर को यूज करने के लिए? तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनके ओमनीट्रिक्स को इस तरह मॉडिफाई किया होगा कि कभी उन्हें एलियन एक्स की जरूरत पड़े तो वो एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जिसने नेगेटिव बैन्स के ओमनीट्रिक्स को क्रिएट किया है उसी ने इविल एलियन एक्स को रियली में देखा हो और उसका डीएनए लेकर ओमनीट्रिक्स में अपलोड कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है जिसने नेगेटिव बैन्स के ओमनीट्रिक्स को क्रिएट किया हो उसने एलियन एक्स के डीएनए को इस तरह मॉडिफाई कर दिया हो जिससे उसकी दो पर्सनैलिटी बिल्कुल गायब हो जाए। भाई मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी भी होती है, तो यार हम कह सकते हैं कि बुरे सेलेस्टियल सेपियन भी जरूर होते होंगे। तो भाई अब बात करते हैं इविल एलियन एक्स की पावर एंड एबिलिटीज की। तो देखो भाई इविल एलियन एक्स के पास अगर थ्री पर्सनैलिटीज है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि यार उनकी तीनों पर्सनैलिटी ही इविल है, तो यार वो जल्दी फैसला कर लेंगे और जल्दी ही फाइट करने लग जाएंगे। और अगर इविल एलियन एक्स के पास दो पर्सनैलिटी नहीं है, केवल एक ही पर्सनैलिटी है जो कि उसे यूज करने वाला है, जैसे कि एल्विडो, बैड बैन या फिर मैड बैन, कोई भी यूज करे, तो भी यार इविल एलियन एक्स काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अब उसके पास कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है, इसलिए उसे किसी भी पर्सनैलिटी से किसी भी वर्क को करने के लिए कोई भी परमिशन नहीं चाहिए होगी। यानी कि यार हेड भी इविल एलियन एक्स का और टेल भी इविल एलियन एक्स का ही होगा।
सो यार अब बात करते हैं इन चारों सेलेस्टियल सेपियंस में से कौन सा सेलेस्टियल सेपियन अनबीटेबल है। तो देखो इसमें कोई शक नहीं, स्टारबीट अनबीटेबल है क्योंकि स्टारबीट गैलेक्टिक ग्लैडिएटर जैसे पावरफुल सेलेस्टियल सेपियन को ऑर्डर देता है और हमें अभी तक सही से नहीं पता कि यह वाला वेपन क्या कर सकता है। और हाँ, बेंटन ओमनीवर्स में जब स्टारबीट को दिखाया गया था तब हमें दिखाया गया था कि स्टारबीट सारे सेलेस्टियल सेपियंस में से ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि स्टारबीट ऑर्डर देता है सेलेस्टियल सेपियंस को, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि स्टारबीट अपर पोजीशन से बिलोंग करता है। और बात रही इविल एलियंस की, तो इविल एलियंस जितना भी ओमनीपोटेंट होते हैं वो वर्चुअल ओमनीपोटेंट ही रहेगा क्योंकि एल्बिडो, मैडबैन, नेगाबैन ये सब ओमनीपोटेंट नहीं है और इसीलिए उनका एलियंस भी वर्चुअल ओमनीपोटेंट ही रहेगा। और अगर नहीं पता वर्चुअल ओमनीपोटेंट क्या होता है तो गूगल कर लेना। सो गाइज इन चारों सेलेस्टियल सेपियंस में से बेस्ट है या कहे अनबीटेबल है स्टारबीट। सो गाइज अगर आप लोग को हम दोनों का कोलैब अच्छा लगा तो आप लोग हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप मेगाजॉड एक्स के चैनल में नए हो तो आप उनको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मैं बता दूं, मैं ओमनीवर्स एक्स हूं और मेरा भी एक चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां जाकर आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं भी बेंटन रिगार्डिंग वीडियोस ही बनाता हूं। सो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और इस वीडियो को चाहे तो शेयर भी कर देना और कमेंट करके बताना आपका फेवरेट एलियंस कौन सा है। और बस यार आज का वीडियो यही तक था, हम दोनों मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे चैनल में, तब तक के लिए गुड बाय।